क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑन ट्रेड एंड साइंस। जो इस्लाम का की जीत का व्यापार और साइंस पर जो है विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा। ए नंबर ऑफ इंडियन बुक्स ऑन मेडिसिन साइंस एंड मैथमेटिक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड। द यूरोपियन डिस्कवर्ड द इंडियन डेसिमल सिस्टम एंड द कंसेप्ट ऑफ जीरो एंड इट वॉज लेटर केम टू बी नोन एज द इंडो अरेबिक न्यूमीरियस। जो नंबर काफ़ी मात्रा में जो भारतीय बुक थी जो साइंस पर मेडिसिन पर और मैथमेटिक्स पर थी उसको अरब भाषा में अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट किया गया। इस मध्ययुगीन भारत के दौरान जो थी समय के दौरान जो यूरोपियन में कई प्रकार की डिस्कवरीज हो रही थी। इंडियन डेसिमल सिस्टम का भी डिस्कवर हुआ था और कंसेप्ट ऑफ जीरो का भी, जो कि बाद में अरेबिक न्यूमीरियल्स के नाम से जाना जाने लगा। राइट आर नॉट ऑन इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इस्लामिक कला के बारे में आप क्या जानते हैं। मोस्क्यू अल मस्जिद अल नवाबी मदीना वाज बिल्ट बाय प्रोफेट मोहम्मद। एक मिनट क्लास। एंड इट वाज द सेकेंड होलीएस्ट साइट ऑफ इस्लाम। इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन द वर्ल्ड। द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ द मॉस्क्यू इज द ग्रीन डोम एंड इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर वेयर द टॉम्ब ऑफ प्रोफेट मोहम्मद इज लोकेटेड। द डोम वॉज फर्स्ट पेंटेड इन ग्रीन इन 1837 CE एंड हेंस केम टू बी नोन एज द ग्रीन डोम। द साइट ऑफ ओरिजिनली एडजेसेंट टू द हाउस ऑफ प्रोफेट मोहम्मद ही स्टेड देयर आफ्टर हिज माइग्रेशन यानी कि हिजरा टू मदीना 622 CE। इसमें बताया गया है कि मॉस्क्यू जो है अल मस्जिद अल नवाबी मदीना में बनाई गई थी प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा। ये जो है दूसरा मुस्लिम धर्म का जो है दूसरा पवित्र स्थान है। सबसे बड़ी मॉस्क्यू जो है संसार की उनमें से एक है। सबसे ज़्यादा अच्छी फीचर यानी कि नोटेबल फीचर जो है यहाँ की ग्रीन डोम है जो साउथ ईस्ट कॉर्नर में बने हुए हैं। द वेयर द टॉम्ब ऑफ प्रोफेट मोहम्मद इज लोकेटेड जहाँ पर उनकी कब्र भी बनी हुई है। द डोम वॉज फर्स्ट पेंटेड सबसे पहले 1837 में से ग्रीन कलर से पेंट किया गया था। उसके बाद जो है इसे ग्रीन डोम के नाम से जाना जाने लगा। ये साइट जो थी जगह जो थी प्रोफेट मोहम्मद के घर की सीध में यानी कि सीधे में थी। यहाँ पर प्रोफेट मोहम्मद जो है माइग्रेशन के दौरान यानी कि हिजर के दौरान जो है 622 CE में रहे भी थे। क्लास इसके जो आपको ब्लैकबोर्ड पर भी समझाया गया है और साथ में आपको इसकी फ़ोटो भी सेंड हो रही होंगी ताकि आप ध्यान से लिख भी सकें।